हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो यार आज का सीन ये है कि आपका एक बड़ा ही अच्छा जानने वाला आ रहा है, जिसको मुझे नहीं लगता कि जो मुझे देखते हैं वो उसको जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो अरे क्या जानता नहीं जानता लगाया हुआ है। तो यार ये सीन है कि अब आ रहा है आज यहाँ पे रेहान, मैं नहीं मानता। तो आज उस पर करेंगे प्रैंक, कोशिश करेंगे प्रैंक करने, क्योंकि यार वो खुद भी करता है और वो पकड़ लेता है बड़ी जल्दी के मतलब हो रहा है प्रैंक। तो यार कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके नीचे बड़े सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार होम टूर बनाओ होम टूर बनाओ। तो यार जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना उस पर होम टूर की वीडियो आ जाएगी। और बाकी अगर मैं यार कुछ अच्छा बना रहा हूँ तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बाबा जी ने फोन करके बुला लिया खुबैब को, आपको पता है मेरे घर के सामने रहता है, घर की खेती है। ये देखो खुबैब साहब कुछ बोलना चाहोगे आपको मुंदी है पकड़ के। यार ये अरसलान की वजह से हुआ है भाई, अरसलान ने मेरे यार को पूरा का पूरा है ना सैडे सूटे उड़ा ही दिया, ऊपर से कुछ बच गया तो बेचारा अरसलान साहब आते हैं इसकी भी गानी शानी करते हैं। मैं तो कहता हूँ खाली रेहान पे नहीं प्रैंक करना, तो अब रेहान का वेट करें की। तो यार अब रेहान का वेट करते हैं, वो आता है बाकी फिर आपको बाद में दिखाते हैं। ओके तो यार फाइनली जो मैंने बताया था आपको बाय रेहान आ चुका है। ये बॉय की हाल है, ठीक हो ना? शुक्र अल्लाह भाई। ये भी देखो ये हमें चूंगे में मिला। तुम नहीं बना रहे व्लॉग? बना रहा। अच्छा चलो आपको बैब तो अभी गया हुआ दादाबू के साथ डॉक्टर पे लेके गया था, लेकिन अब आने वाला होगा। चलो तो यार आपको फिर इस बाकी सीन बाद में बताते हैं, मिलते हैं आपका। तो यार रेहान गया है कंटीन पे, ठीक है ठीक है, वो अब वापस आने वाला ही होगा। हम अब उस पे सुमने दोनों ने बैठ के सोचा कि हम उसे प्रैंक करते हैं। वैसे तो उसे प्रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई जो जो बंदा खुद वो काम करता है ना उसके साथ गेम चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। बात तो सही है मतलब इम्पॉसिबल वाला ही सीन है। तो सलाम साहब मिलके कुछ ना कुछ ऐसा सीन्स बनाते हैं जिसको उससे भाई फुल गुस्सा चढ़ाए, उसको तप चढ़ाए कि उठ के बंदा बाहर चला जाए, उठ के चला जाए। तो ना हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे, बस उसको बातें ऐसी करेंगे कि वो गुस्सा करे ताकि ये लगे ना आगे प्रैंक है। कोशिश पूरी करेंगे। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, थोड़ा बहुत व्लॉग भी अपलोड किया, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके कैमरा शैमरा जो है हमने वो सेट कर दिया, ठीक है। रेहान आ गया, वो नीचे खड़ा था, जाओ उसको जल्दी से लेके। रेहान को मैं लेके नीचे से आता हूँ और दस्ती से प्रैंक करना है। अब हमने कैमरा भी बड़ा ऐसा छुपाया कि सिर्फ इसके कैमरे ही नजर आ रहे हैं, फोन के फोन नहीं नजर आ रहे। उसको मैं लेके आता हूँ, बाकी सब बात करता हूँ। वो अभी तक नहीं आया, नाम साहब पहुंचे हैं यार। ये टीम का है कौन? खुबैब। हां वो तो अपने दादा को लेके गया। हां अजाने भी नहीं लगा दुनिया से, शाम के लालत दे रहा है। तो जो सीन सोचे सारे सीन डाउन है। अरे जिंदगी ऐसा लगता है जानता है वाकई जानता है। बोर 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 वीडियो अगर ठुल्ले लेकर आ ठुल्ले खेल यार खुले को दिल्ली चीटी इन जितने क्या खेले। हाँ आज ये भी समझ आ रहा है कि मेरी को उठ गया पहले एक दूसरे का मुंह देखो उसका तो कंप्लीट हो गया सर। ये अगले को देख तूने उसका काय 4000 सब्सक्राइबर आए हैं, मेरे तूने काय सिर्फ 450। तो यार किया तो लास्ट में था ना, मैंने कहा था दोबारा से कर लेंगे। दोबारा से यार तो मतलब ये तूने तो इसमें कुछ नहीं ना किया जो मेरे जितने भी आए। क्यों नहीं किया मैंने? सारा मैंने खुद किया ना, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं। 35 फर्स्ट सब्सक्राइबर थे तो 400 हो गया, क्या बातें कर रहे हो? तो मैंने वीडियो भी तो नहीं ना डाली थी। कौन सी बातें लेकर वीडियो तो जितनी मर्जी डाल ले, तूने वीडियो दो अपलोड करती हुई थी उस टाइम पे, एक अपनी इंट्रो पर एक दूसरी। लेकिन प्रैंक पे तुझे पता ज्यादा व्यूज आते हैं, प्रैंक तो मैंने बाद में डाले, 400 तो मेरे वैसे भी हो गए। इसको जब मैंने किया ना इसको प्रमोशन, जब इसकी वैसे प्रमोशन तो अपने में क्या प्रमोशन हुई, जब मैंने इसको बोला है तो इसकी वीडियो पे 1000 व्यू उसी टाइम टपा था। ये तो पता है 1000 व्यू टपा, उसके बाद अब जो अगला था टपा के लिए 1000 व्यू हंसना दादा गजब बेइज्जती है। ठीक है 1000 व्यू जब ऊपर गया है उसके बाद फिर गिरे हैं तो 800 जब रह गए हैं वो तो मेरे खुद है ना जो मुझे देखते हैं। कहना क्या जा रहा है? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि तूने जो गाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
प्रमोशन भी कर दी है, तू बस यकीन लगा रहा है कैसा तू बन गया। इसने क्या किया, ये क्या बात है? और पहली बात दोस्तों में प्रमोशन होती ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो तो वैसे ही मैंने बोला था, वो भी हम खाते हुए बोला था, तो लास्ट में लोग नहीं इतना देखते। लेकिन भाई तेरा फायदा कोई भी नहीं होगा। तू फायदा की लेना, फायदा तो मेरे 10-12 हजार करवाना, फिर मैं तुझे मानूंगी तेरा बिना। मेरे हाथ में थोड़ी हूँ, पब्लिक ने कर रहा है। तो तेरी पब्लिक इतने तुझे मानता नहीं है कि तेरे कहने पे करेंगे? मेरे कहने पे हजार दफा वो आएंगे, पर उनको मैं शुरू में इस गाइड से इसे करूंगा तो फिर आएंगे ना। लेकिन फिलहाल तेरा इसमें कोई नहीं है। क्या सही आ रही है बातें कर रहे, मेरा क्यों नहीं आना? तू क्या कहता तेरा सब्सक्राइबर हो जाते थे 400? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं आए। ठीक है भाई मान लेते हैं। कैसा तो वैसे कार वैसे जी भी थर्ड क्लास बात रहा है। तो भाई सही बात है, मैं क्या चाह रहा, मुझे समझ नहीं आ रही जी बरकते। भाई यार फलान साहब तुम्हें कितने आए थे बताओ? भाई मुझे तो पब्लिक मानती थी ना। तो मुझे नहीं मानती, मैं भी देश के विधायक में आया हूँ। ना तू एक दो बार आया। एक दो बार आया है जी बात कर रहा। मैं ना असल में मैं अभी खुबैर से दिलता कर रहा, मैं निकलता हूँ, मैं आता हूँ देता। तो जा फिर, बुलाया किसने था? साले को बम से उड़ा दूंगा। जा तेरे घर इस तरह खड़ा हूँ, इस तरह की बकवास कर रहा हूँ। तो बस मैं कर रहा हूँ, तेरा फायदा क्या? मैं जी 2 दिन सब्सक्राइबर्स के लिए, 4-5 सब्सक्राइबर्स के लिए हरकतें कर रहा था। तो भाई सही बात है, जो बात है मैंने भाई इतने दिन से सोचा था। मैं तेरे मैं आना होगा इस्लाम दराली में बैग उधर बैठा। उठा ना तो फिर चला जाता हूँ। आपस में कौन सी बात है? अरसलान साहब ये अब एक बंदा अब कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो ये वापस कहने नहीं इज्जत कटवा रहा है। उसको लेके आऊं तो मेरी इज्जत कटवा रहा है? तेरी इज्जत कटवा रहा हूँ। नहीं तू करना नहीं जाना, जा यहाँ से भाई। ओए चुप कर जा, अपने सुनाना ले। मैं नहीं भेजना कि मैं तेरे घर बैठा, मैं चल जा। अच्छा अच्छा चुप कर जा, चुप कर मेरे साथ ना, दादा ओवर ना ही तो यार यहाँ पे हमने प्रैंक कर दिया है। ठीक है हमने जैसे आपको बताया था इसको पता चल जाना था। तो भाई क्या थर्ड क्रॉस बातें करने लगा होगा, ऊपर से इसके घर बैठा हूँ, ऊपर से कह रहा है जा लेने क्या आया है। जब पहले इसको नहीं पता चला क्योंकि इसका मुंह उधर था। ठीक है ना, मुंह इसका उधर था। जब ये एकदम वहां से ऐसे आया ना, इसे देखा भाई इधर करके ना हमने बिल्कुल ये साथ पड़े थे, इधर कैमरा लगाया हुआ था हमने, पता नहीं सिर्फ तीन निकी बोतल ने पीछे लाया है। जे मेरी नजर पे ही टप वगैरह के साथ में लगा है भाई। मैं आया हूं तू कैंटीन पे, जब गया मस्कीना वाला मुंह बना लिया यार, हां पे प्रैंक करते हैं यार, देख ले तेरे मेल बड़े ध्यान पे प्रैंक। चुप कर बे कुत्ते। मैं क्या चला यार गाड़ी लेते हैं आज। मुझे भी शक नहीं हूं, मैं कहा पता नहीं, मैंने शायद वाकई इस तरह की थर्ड क्लास से बातें करने लगा हुआ है, जिसमें सब्सक्राइबर नहीं आया तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। और भाई अभी सही से हमने बताया ही नहीं था, सही गाइड ही नहीं हमने सही किया था, तो किधर से आने तक जो आए हैं उसका शुक्र कर। वैसे हमने जितना अभी तक किया तेरे इस पे शक नहीं ना किया था, तेरे कैमरा बस देख लिया। मुझे वहां से शक पड़ा जहाँ से तूने धक्का दिया ना, मैं कि इसके ऐसी की तैसी, जब मैंने दूसरा किया तो मगाओ तो अच्छी है, क्या काम हो गया। तो यार इसके साथ हो गया प्रैंक रेहान भाई, इनको कहो यार ये लाइक सब्सक्राइब नहीं करते जितने, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, 800 व्यूज आते हैं सब्सक्राइबर होते हैं। टिल्ला जरूर बोलता है पर इसके अंदर पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, इसकी सोच पे मैं सदके जाऊं, मैं अभी कैंटीन गया हूं तो इसने ला पा दिए इसने मेरी। बाकी भाई का कंटेंट बता कैसा भी कंटेंट अच्छा था, कंटेंट अच्छा है। बाकी अरसलान अभी सोचा है, अभी एकदम सोचा है कि ये जितनी देर तू कैंटीन पे था ना कह ले उतनी देर में ही सोचा हमने। कीप इट अप। ब्लॉग आ रहा था कहता है गाइस अभी हमें सीन समझ नहीं आ रहे, आने गया कैंटीन, वो इस कारण रिहान पे प्रैंक करें।
दस्ती मैं क्या नु क्यों हो गया भाई। वो ना कमेंट में भी आया हुआ था कि भाई रेहान पे किडनैपिंग करान करो, ये करो वो करो। मैं कहा यार किडनैपिंग वगैरह की ना इसको पता चल जाना, तो मैंने सोचा यार इसको ना बातों से इतना तपा देते हैं कि तप जाए। मुझे पता क्यों नहीं शक हुआ इस पे, क्योंकि इसने अभी हमने इसकी मदर पे भी प्रैंक करना था। मुझे वो था कि अभी प्रैंक करना है तो सीन वगैरह अभी बैठते हैं डिसाइड करते हैं करना क्या सीन। तो यार जब मेरी मामा पे जो यार रेहान प्रैंक करेगा, मैं कहा यार तू खुद कर, मैंने तो दो दफा कर लिया, वो मुझे पकड़ लेंगी। तू करेगा ना, तू नया बंदा उनके लिए, तो तू प्रैंक करेगा उनसे पकड़े ही नहीं जाना। तो जो उसकी मामा के साथ मेरी इतनी गपशप नहीं है ज्यादा, खुबैब की मामा के साथ हमारा आपस में थोड़ा बहुत काफी है। तो इसकी मामा जो है ना समझ ना बहुत कम मिले हम, है काफी पुराने दोस्त है पर हम बहुत कम मिलते रहे हैं। तो अब मेरी मामा के साथ जो प्रैंक होगा वो आएगा रेहान के चैनल पे, तेरी भी थोड़ी सी करना तो मैं प्रमोशन। अरे यार रेहान की लाडी का चैनल है, इसको भी सपोर्ट करो, लड़का अच्छी वीडियोस बना रहा है। अबे जा रे। तो यार मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू प्यार करते रहे।